बात कोरोना की कर लेते हैं, क्योंकि आज कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है, राहत की खबर है। 24 घंटे में 1,20,529 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 58 दिनों में सबसे कम एक दिन में, यानी कि एक दिन में सबसे कम मामले सामने आए, और ये पिछले 58 दिनों की बात है। और 24 घंटे की बात करें तो 3,380 लोगों ने दम तोड़ दिया, लेकिन रिकवरी रेट ठीक ठाक है। 1,97,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 1,20,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो देखिए, देश में पिछले 24 घंटे का आंकड़ा लगातार हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं केसेस 1,20,529 नए मामले, और इसके साथ ही साथ अगर मौत का आंकड़ा देखा जाए तो 3,380, लेकिन रिकवरी रेट ठीक ठाक है, ठीक होने वालों की संख्या अच्छी खासी है, जो राहत की खबर है। चिंता की खबर ये आंकड़ा है जो कि मौत का है। दिल्ली और मुंबई अगर दोनों को कंपेयर कर लिया जाए तो देखिए हालात क्या है। दिल्ली में 523 केसेस, मुंबई में 968 मामले, दिल्ली में 50 लोगों ने दम तोड़ा और मुंबई में 15 लोगों की जान गई है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया के लिए बकायदा गाइडलाइंस तैयार की। अब तमिलनाडु का हाल देख लीजिए, जहां पर हालात लगातार खराब है। दक्षिण के कुछ ऐसे राज्य जहां पर स्थिति बहुत खराब है, उनमें से एक तमिलनाडु, जिसकी ये तस्वीरें, जिसका आंकड़ा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 22,651 और मौत 463, ये तमिलनाडु का हाल है। दक्षिण के कुछ राज्य जहां पर चिंता की बात है, लेकिन उत्तर भारत में लगातार मामले कम हुए हैं। 24 घंटे की बात करें तो केसेस कम, और 58 दिनों के बाद कोरोना के सबसे कम मामले आए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।